अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू स्टिचिंग एंड कटिंग पॉइंट। गाइस आज हम गला बना रहे हैं और ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। हमने बुकरम ले ली है, 14 इंच चौड़ाई है और 10 इंच लंबाई है, ठीक है। यहाँ हमने गले का साइज़ कर लेना है, 10 इंच हमने ऊपर से रखना है इसका। ये मीडियम साइज़ में हम बना रहे हैं, ठीक है, और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन रहा है। आज फुल वीडियो देखें इंशाल्लाह, आपको उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। 8 इंच आपने डीप रख लेना है यहाँ, ठीक है, इस तरह निशान लगा लें। यहाँ से आपने 9.5 इंचज रखना है, 9.5 इंच। ऊपर से हमने 10 इंच रखा है और यहाँ से आपने आधे इंच कम का निशान लगाना है। ये निशान इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी जो गुलाई है वो इस निशान से बाहर नहीं जाए, ठीक है। तो ये आप जब भी गला कोई भी काटें तो आपने इस तरह आधे इंच का फ़र्क डाल के ये सीधा निशान लगा लेना है ताकि हमारी जो गुलाई है वो इस निशान के बाहर ना जाए। अगर बाहर जाएगी तो यहाँ से आपका गला फैल जाएगा, ठीक है, गुलाई से। यहाँ ऐसे नहीं आपने करना, ये गलत है, क्योंकि गुलाई जितनी आप अंदर रखेंगे वही अच्छी गुलाई आएगी, ठीक है, गले की। तो ये बुकरम एक्स्ट्रा आपने काट लेना है, ठीक है। अभी हमने ये निशान लगा लिया और इसके अंदर भी हमने एक 1.5 इंच का निशान लगाना है, ठीक है। ये देखें इस तरह आपने 1.5 इंच का निशान लगा लेना है, क्योंकि हमारी जो तैयारी है वो ये 1.5 इंच के बाद आएगी, ठीक है। यहाँ हम लूप्स लगा रहे हैं इस पर, तो ये 1.5 इंच का लूप्स आएगा और वो भी तकरीबन एक पैर चौड़ा आएगा, ठीक है, आधे इंच से एक पॉइंट कम आएगा। तो हमारा 7 इंच गला ऊपर से आ रहा है और डीप हमारा जो तैयार आएगा वो 5.5 इंच आएगा, ठीक है। ये टोटल 6 इंच है। अभी हमने यहाँ से कटिंग कर लेनी है इसकी। तो हमने ये बुकरम का ही तैयार करना है गला, और इसके बाद हम अपने जो डोरी है वो हम उल्टा लेंगे तो वो इस पे लगाएंगे, ठीक है। तो ये पैर पैर रख के आपने दबाओ इसका काट देना है, ठीक है। ये निशान के बाहर जो हमने पैर रखा है ना, दबाओ, वो हमारा सिलाई में आएगा, ठीक है। बाकी हमारी तैयारी होगी 1.5 इंच। ये देखें, ये हमने रेप कपड़ा काट लिया है और इसके हम लूप्स बनाएंगे। एक पैर चौड़ा हमने लूप्स बनाना है, ठीक है, बारीक वाला नहीं बनाना हमने। ये देखें, ये 1/2 इंच से एक पॉइंट कम हम बनाएंगे, ज़्यादा चौड़ा नहीं बनाएंगे। मैं आपको निशान लगा के बताता हूँ कि हमें कितना तैयार चाहिए, इतना तैयार हमें चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इन पर सिलाई लगा लेंगे और अपनी जो डोरी है वो उल्टा लेंगे, ठीक है। तो गाइस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और इस तरह आपने ये लूप्स बना लेने अपने, ठीक है। और इनमें जो दबाव रखना है वो आपने बिल्कुल 2 पॉइंट का रखना है, ज़्यादा नहीं रखना, ठीक है जी। ये देखें, अभी हम सुई के साथ इनको उल्टा लेंगे, क्योंकि हमने दबाव अंदर से काट लिया है तो हमने इनको उल्टा लेना है आप सुई की मदद से। ये देखें, ये इस तरह आपने डोरी बना लेनी है, ठीक हो गया। और इस तरह आपने बिठा लेनी है, ठीक है। ये हम डोरी उल्टा के प्रेस लगा लें। तो गाइस हमने ये लगा लिया प्रेस भी, और हमें तकरीबन 4 इंच ये टोटल लंबा जो है लूप्स चाहिए होता है ताकि हम बिठा के ये गले के साथ साथ लगा सकें, ठीक है। ये देखें, मैं आपको रख के बताता हूँ कि हमें किस तरह इसको तैयार करना है। ये देखें, इस तरह आपने जो गले के ऊपर ही आपने अटैच कर लेना, जो आपने पैर पैर दबाव रखा हुआ है ना वहाँ तक आपने सिलाई लगा लेनी है इसको। तो हम ये सिलाई लगा लेते हैं इस पर, ये कच्ची लब सिलाई लगानी है आपने। ये देखें, इस तरह आपने इसको जोड़ लेना आपस में। ये बहुत नीट चीज़ बन रही है इंशाल्लाह, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आएगा गला। ये सारा इस गले पे ये लूप्स लगा लेने हैं, ठीक है। तो गाइस वीडियो को फुल देखा करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है जी। क्योंकि अगर कहीं से हम गलत कर रहे हों तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपना वो गलती जो है वो सुधार लेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें, हमने ये सारे लूप्स लगा लिए गले पे, ठीक है। अभी हमने इसका इस तरह सेंटर कर लेना है। ये देखें, यहाँ कट लगा लें सेंटर में,
और हम शर्ट के ऊपर रख के इसको काट लेंगे, ठीक है, गले को। ये देखें, यहाँ 7 इंच का निशान लगा लेंगे जितना हम रख रहे हैं अंदर से, ठीक है। ये 7 इंच का निशान लगा लिया हमने, तो इसको अभी डबल करेंगे और इसका सेंटर करके हमने इसके निशान लगा लेने हैं। ये देखें, इस तरह आपने इसको रखना है, और जहाँ सेट हो रहा है आपने वहीं रख गले को रख के निशान लगाना है, इससे आगे पीछे नहीं करना। तो ये बुकरम के साथ साथ आप निशान लगा लें इसको, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा तरीका है और बहुत ही नीट इंशाल्लाह बनेगा गला, आप खुद ट्राई करें घर पे। ये देखें, हमने निशान लगा लिया और निशान के ऊपर हमने 1.5 इंची का दबाव रख के काट लेना है इसको। जब 1.5 इंची का दबाव इसलिए रखते हैं ताकि जो हमारा हमने गले का छोड़ा हुआ ना दबाव, वो दबाव डाल के और इसका दबाव डाल के टोटल 1.5 इंची बनता है। तो हम 1.5 इंची ही ऊपर रखेंगे ताकि जब हम गला जोड़ेंगे तो हमारा जो दोनों का दबाव है वो हमने एक जैसा लेना है जितना हमने गले का रखा हुआ है, ठीक है। शर्ट का भी उतना ही लेना है तो हमारा वो कवर हो जाएगा, ठीक है। ये हम इसलिए इतना दबाव रखते हैं। आप भी अगर कोई भी इस तरह भरने वाला गला या जोड़ काटते हैं, बाजू का जोड़ हो गया या कोई भी जोड़ काटते हैं, तो आप 1 इंच दबाव रख के काटेंगे, ठीक है। तो हमने ये बुकरम निकाल लिए नीचे से, सिर्फ वही बुकरम है जो हमारी दबाव पे आ रही है, ये देखें। और यहाँ से हमने सेंटर मिलाना है इसका, जो हमने कट दिया हुआ है वो हमने सेंटर में लेके आना है, ठीक है। और यहाँ शोल्डर से आपने शुरू कर लेना है इसको। और एक बात का ख्याल रखना आपने कि खींच नहीं लगानी दोनों को ही, क्योंकि हमारा ऊपर वाला भी बहुत नाजुक सा काम है, उसको खींचेंगे तो मज़ीद फैल जाएगा। और नीचे वाले को तो बिल्कुल नहीं आपने खींच लगानी, ठीक है। इस वाले को आपने ऐसे नहीं खींचना, क्योंकि अगर खींचेंगे तो वो फैल जाएगा, आपका गला बैठेगा नहीं सही तरह। इस तरह आपने जो पहली आपकी सिलाई लगी हुई है आपने सिलाई लगा लेनी है साथ साथ, ठीक है जी। हमारा गला तकरीबन तैयार पहले ही हो चुका था, तो अभी हम इसको साथ जोड़ लेंगे और मज़ीद इसकी जो नीटनेस है वो हम खुद बनाएंगे और नीट काम करेंगे इंशाल्लाह। ये सिलाई के ऊपर ऊपर आपने सिलाई लगानी है, इससे ज़्यादा दबाव नहीं लेना आपने, क्योंकि हमने जितना दबाव गले का रखा हुआ है उतना ही शर्ट का लेना है और इससे ज़्यादा नहीं लेना। ये देखें, ये हमारी सिलाई लग गई है, ठीक है। इसको आपने इस तरह करना है और किनारे की भी सिलाई लगा देनी है। और किनारे की जो सिलाई लगानी है आपने वो बहुत ही अच्छी लगानी है, ठीक है, एक जैसी सिलाई लगानी है आपने, क्योंकि सामने नज़र आनी है। सामने ना भी नज़र आनी हो, कोशिश किया करें काम अच्छा करने की और साफ़ सुथरा करने की। तो ये इस तरह आपने बिल्कुल स्लो स्लो सिलाई लगा लेनी है, इसको खींचना नहीं है आपने बिल्कुल भी। जहाँ कपड़ा बैठ रहा है आपका, आपने वहीं पे सिलाई लगानी है, जो सिलाई पहले लगाई है उसके ऊपर ऊपर, ठीक है। इससे हटा के सिलाई ना लगाइएगा। तो गाइज़, हमारा गला तैयार हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको इंशाल्लाह पसंद आया होगा गला, ठीक है। आप घर पे बनाएं, बहुत ही अच्छा बनेगा, ठीक है जी। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को फुल देखा करें प्लीज़। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये देखें कितनी प्यारी सिलाई लगी हुई है, एक जैसी सिलाई है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।